हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो ये तो कमाल है, राधिका की मम्मी राधिका के संग उस फ्लैट में रह रही है जिस फ्लैट में राधिका को कोर्ट्स ऑर्डर मिला है एज अ बहू रहने के लिए, क्योंकि वो उसका ससुराल है। और यहाँ पे राधिका की मम्मी धर्मशाला खोल के रखी है, ध्रुव की मम्मी को भी यहाँ पे रख रही है, खुद भी यहाँ रह रही है, ध्रुव भी यहाँ के रह रहा है। अरे वाह! और किसी किसी को बाकी है तो उनको ही बुला के वहाँ पे रख लो, आप उनको भी रख लो अगर कोई बाकी और रह गया हो तो। यहाँ पे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ध्रुव की मम्मी को यहाँ पे रहने की ज़रूरत क्या पड़ी, उनका खुद का घर है। उनका कहना है कि उनको कहीं भी भाड़े में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हर कोई उनको समझ गया है, वो लोगों ने हर जगह उनकी बेइज्जती करके रखी हुई है, सब कोई उनको देखता है तो उनको कोई भाड़े में नहीं देता। आपका पति कहाँ है ध्रुव की मम्मी? आपके पति के घर में आप क्यों नहीं जाती हो? आप जो बोल रही हो वहाँ पे भी ताला लग गया है, वहाँ ताला लगा के हम लोग निकले थे, तो आपके हस्बैंड तो आपके संग नहीं निकले होंगे, वो तो वहीं पे ही होंगे। और उनके हिसाब से आपके हस्बैंड आपके जब शादी दे रहे थे तो आपकी बेटी भी थी, आपके ससुर जी भी थे, मतलब आपको तो पूरा भरा पूरा परिवार था। तो ये सब कहाँ सब चले गए? सब क्या भाग गए कि सब इधर उधर अपना अपना कहीं कोई सेटल हो गए, जो आप यहाँ पे ताला देख के आप किसी और के घर में आके रहने लगी हैं? और यहाँ पे राधिका की मम्मी, जो ध्रुव की मम्मी को आप लेके जा रहे हो गुनगुन को दिखाने के लिए, ये क्या कोई बंदरिया है जो वहाँ पे लगी हुई है और बंदरिया को देखने के लिए सब चले जा रहे हैं, एक एक करके सब म्यूजियम घूमने जा रहे हैं? ये तो अजीब सा ही इन लोगों का कारोबार है। आप जो यहाँ पे झूठ बोल रहे हो कि आपका यहाँ पे कोई हाथ नहीं है गुनगुन को किडनैप करने में, गुनगुन कहाँ है, ध्रुव के साथ है, ये है वो है, फलान ढमकान जो आप कल इतना ढप मार रहे थे समर के सामने फ्लैट का लेके, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को पीछा करेगा तो एक सेकंड में समझ जाएगा कि आप भी शामिल हो ये सब चीज़ में। ऐसे भी वो माँ बेटा इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि नहीं समझे होंगे, बोलो तो कल ही ताली समर मारने लगा कि हाँ आप ही मेन मास्टरमाइंड हो, क्योंकि आपको सब जब पता है कि फ्लैट का लेके आप जब बोल रहे हो तो आपको ये भी मालूम है कि ध्रुव के पास ही है गुनगुन और आपका भी कहीं ना कहीं हाथ है। तो ये तो उसने कहा, फिर भी आप नहीं सुधरे और यहाँ पे आप ध्रुव की मम्मी को दिखाने के लिए गए हो, देखो तुम्हारी बहू किस हालत में है। अरे भाई, आपको क्या, आप क्या करना क्या चाहते हो? बैठे बिठाए अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो और कुछ नहीं। आप लोगों को इतना पसंद है, एक तो ध्रुव की मम्मी, ये कौन सी दूध की धुली है, ये तो खुद पंडित के संग मिलके गुनगुन को किडनैप कर ली, फिर इसको अंकित को किडनैप करवा ली, जो चाहे वो कर रही है। और आप इनको आप इतना अच्छा समझ लिए हो कि इनको ले जा रहे हो गुनगुन दिखाने के लिए। लास्ट में क्या होगा आपको पता है? आप ही जाओगे जेल के अंदर और ध्रुव तो जाएगा ही जाएगा, उसका तो छोड़ ही दो, तो एक जेल यात्रा से करके आया ये ट्रायल और अब फिर से जाएगा एकदम से। तो आप लोग यही पे करो और वो मैडम जी वो बस्ती रहेंगी, बस यही चलता रहेगा और हम यहाँ से देख देख के देखते रहेंगे और बोलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। राधिका की मम्मी तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझ ली है, जितना स्मार्ट गिरी आपका कुछ दिन में ही निकल जाएगा, आप देखते ही रह जाओगे हैरानी से। बस चलिए, इसमें आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।